नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार। आपको मैं बता दूं कि 2024 के लोकसभा चाहे विधानसभा का चुनाव, अभी लोकसभा पार हुआ और ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर मिठुन चक्रवर्ती और राहुल गांधी से लेकर कल्पना सोरेन तक धनबाद के कोयलांचल, देश की कोयला राजधानी में पहुंचे। लेकिन किन्हीं के भी जुबान से जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन होना है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं गौण रहा। और आपको मैं बता दूं कि बिजली, पानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ही पूरा जो है कोयलांचल जो है इर्द गिर्द घूमता रहा है इस पूरे चुनाव में। लेकिन किन्हीं को भी एशिया की जो सबसे बड़ी रिहैबिलिटेशन होनी है वो अभी तक भी रिहैबिलिट नहीं हुआ है। 7 से 7-8 हजार लोग जो है घनवाडी और बसकोला माइंस से जो है लोगों को विस्थापित किया गया है, जो बोका पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि इसी ये पूरे माइंस के आसपास में कई ऐसे परिवार जो है वो अभी भी रह रहे हैं, जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। मास्टर प्लान जो बना था 2004 में और 2009 में कुछ लोगों को विस्थापित जरूर किया गया था, उसके बाद जो है ये विस्थापन जो है ये पूरा कछुए के चाल में चल रही है। अभी भी कई ऐसे लाखों जन जो है वो आगों पे बैठे हुए हैं, आगों पे रह रहे हैं और सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है। समिति से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉलिटिकल जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं लेकिन झरिया रिहैबिलिटेशन जो है इन लोगों को रिफ्यूजी बनाकर रख दिया है? एकदम सही बोल रहे हैं। झरिया का ट्रीटमेंट रिफ्यूजी से, घुसपैठियों से ज्यादा बेहतर है। यहाँ का एक्चुअली झरिया को ना कोई पॉलिटिशियंस उस हिसाब से देखते नहीं जिस हिसाब से देखना चाहिए। एक्चुअली हर पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट को बोलिए, कोल को ऊपर में नजर है और वो कीमती कोल झरिया के अंदर में छुपा हुआ है। तो कोई भी तरीके से सब पॉलिटिशियंस का एक देखना एक में मुद्दा है कि झरिया का आदमी लोग यहाँ से कोई भी शांति से हट जाए या भगा के हटे, ऐसे ही हट जाए, हम लोग कोल को लेंगे। नेशनल इंटरेस्ट को बार बार बात करते हैं लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में ह्यूमन राइट्स भी बहुत पहले आता है। अगर झरिया का ऊपर में ये जो झरिया से जो बैड संदेश, मतलब जो खराब संदेश सारा दुनिया में जा रहा है कि यहाँ का आदमी के ऊपर में सटीक से ना रिहैबिलिटेशन हो रहा ना उसका सम्मान मिल रहा, जो ह्यूमैनिटेरियन एक लाख से आदमी जो कोयला लेते हैं, कोयला चोर बोला जाता है, 1 लाख चोर लेके ये जो एक संदेश जा रहा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ना तो आने वाला दिन में झरिया आप एक कुछ अच्छा देश का बनता है तो उसमें गर्व महसूस करते हैं, झरिया जो खराब बनेगा उसके लिए बदनामी सेंट्रल गवर्नमेंट का नेता और स्टेट गवर्नमेंट नेता के ऊपर ही जाएगा। इसको तो आपको जिम्मेवारी लेना ही पड़ेगा। जो आप जो झरिया को बेहतर से फालतू बना दे रहे हो, उतनी नेग्लिजेंसी की जिम्मेवारी एक दिन आपको लेना है। कितने लोग अभी तक 2004 के बाद रिहैबिलिटेशन पैकेज में, रिहैबिलिटेशन में मात्र मेरा नजर से, मेरा इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2700 to 2800 पीपल हैज बीन शिफ्टेड बल्गेरिया। लेकिन ये पूरा हो जाने का बात है। लेकिन बल्गेरिया जो शिफ्टेड भी हुए उसका किस लिए, कैसा, खाली ह्यूमन क्या बोले, स्केलेटन शिफ्टेड है। यहाँ पर मैं और भी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते जहाँ पर मैं जो भी होना चाहिए। अब तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, रिहैबिलिटेशन तो इंडिया में पहले झरिया में नहीं हो रहा है, बहुत जगह में हुआ है। तो वो सब रिहैबिलिटेशन के साथ में आप लोग कोई स्टडीज ही नहीं। तुंगाभद्रा इज अ मोस्ट सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया, तो उसका जैसा होना चाहिए। आपका वो सिविक एमिनिटीज वहाँ पर में जाइए तो हॉस्पिटल के बारे में आदमी लोग बोलते हैं, वहाँ का स्कूल का एडुकेशन के बारे में बोलते हैं, मिनिमम इनकम सोर्स मार्केट ये सब के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ का जो जीता जागते आदमी जो इनकम करके जा रहे हैं तो उसको आप मकान दे दिए, बाकी कहाँ जाएगा, वो क्या कैसे बेगर खा कर रह जाएगा। तो इसके ऊपर में भी एक तो सोचना चाहिए आप कैसा कर दे। आपका कोई पैकेज जो बात बोले थे कि हम 7 लाख का पैकेज देंगे जाने के साथ में, उसको पैकेज तो नहीं आ रहा। तो जो ब्लास्टिंग होता है तो कितना क्या क्या हो जाता है, क्या होगा? यहाँ तो धरती हिलता है, पत्थर आता है, उड़ता है, और क्या होगा। तो आप लोग कभी भी इस तरह का आवाज उठाएं कि नहीं कि हम लोग को यहाँ से कहीं और जगह दे दो हम लोग, क्योंकि आप 50 वर्ष जो है आप यहाँ पे रहे, अपनी जिंदगी दिए और आज जो है इस तरह का खतरनाक एरिया में रह रहे, तो डर तो भय लगता ही होगा। हाँ, तो वो लोग ना चाहिए ये हमारा जो है से कहाँ पर बसाना है, कहाँ पर रखना है, ये लोग के तब ना वोट मिलेगा। वोट तो हम लोग देते करते हैं, ऐसा तो बात नहीं है वोट नहीं देते। सही है, तो जीताते हैं तो उनको ना चाहिए।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो है आप लोग को जो है बांग्लादेशी टाइप का आप लोग से वो कर रहा है, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो के इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और आपके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है? दुर्व्यवहार लगता है तो कोई चारा है, एजेंट पर कोई उपाय है? रिफ्यूजी टाइप के आप हो गए हैं अभी यहाँ पे, कई लोग रिफ्यूजी टाइप के हो गए हैं। सरकार यहाँ के लोगों को नहीं ऐसा लगता है कि रिफ्यूजी टाइप का छोड़ दिया? ये तो भाई आप तो साक्षात ही देख रहे हैं कि आदमी चाहकर भी यहाँ नहीं बना सकता है, और हमारी सरकार तो क्या है, वो सिर्फ आश्वासन देती है, बशर्ते वोट होने के बाद कुछ नहीं, और क्या कहा जाए। तो आप लोग को अंदर से डर नहीं लगता है? डर क्या कर सकते हैं, डर तो शुरू से इसी में रह चुके हैं, इसलिए हम लोग का डर नाम का खत्म हो गया है, जीना यही मरना भी है, जा कहाँ सकते हैं, रोजगार यही है, व्यापार यही है, रहना यही है, तो जाएंगे कहाँ, चाहकर भी तो मल हम उतना सक्षम रहे तब ना कहीं जाकर जमीन खरीद ले या कुछ भी कर ले। हमारी सरकार बोलती है ठीक है ठीक है हम कर देंगे व्यवस्था ऐसा वैसा, बस हो गया इलेक्शन खत्म, सारा बात वहीं आ जाएगा, फिर वहीं के वहीं हम हैं। हर समय थोड़े से इधर घूम जाइए, धूप है आ जा रहा है, क्या लगता है चाचा आपको, नहीं लगता है कि इतना बड़ा बड़ा खाप दिखलाता है सरकार, चाहे वो मोदी हो चाहे सोरेन हो, लेकिन उसके बाद जो है आम लोगों के बीच में सरकार कहीं नजर नहीं आ रहा है? सरकार के आम लोग के बात नजर में आता तो होता नहीं, हम लोग यहाँ थोड़े रहते। सरकार तो मान लिया कि जो सब झूठा सरकार, वोट लेना है चाय पिला करके वोट ले लेता है, दारू पिला करके ले लेता है, किसी को 500 रुपया दे के ले लेता है, यही तो है, गरीब को 500 रुपया दिया वोट ले लिया होने से आई ला, और महिला को आता है 500 रुपया भूखा कंगाल है लेके अपना जोड़ कर लिया, आदमी को दिखा दिया जी इतना आदमी मेरे पास में, आदमी उस क्या है आदमी से वो हकीकत न जानता है। मोदी जी को संकल्प है जे कहते हैं जे माटी रोटी मकान, तो कहाँ माटी रोटी मकान, मोदी जी को मकान देना चाहिए ना, मोदी जी के सेंट्रल के आदमी है तो उनको भी ध्यान देना चाहिए ना। विस्थापन जो है इस देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो भी बड़े नेता आ रहे विस्थापन का कोई बात ही नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं करते हैं, मोदी जी तो आते हैं तो कहते हैं कि जे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो हम लोग जाएंगे अयोध्या में बसने के लिए, मुस्लिम कौन हमको काटने के लिए आता है, मुस्लिम का क्या पावर है जो हमको काट दे, चाहे हिंदू का क्या पावर है कि जो मुस्लिम को काट दे, आपस में मतभेद करा देता है, जनता बुड़बक है अपन हिंदू मुस्लिम करके वो वोट ले लेता है। भाजपा वाला के तो ही शुरू से देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर कुछ दिन चला और मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा खत्म हो गया, तो अब एगो मुद्दा उठाया है कि जे अति हिंदू खतरे में, क्या चीज़ से खतरा में है, सब तो तू ही है, देश के रक्षा मंत्री तू ही है, वित्त मंत्री तू ही है, अति सब कुछ तू ही है, तो फिर हिंदू खतरा में कैसे है, सब माने चीज जो है जो आप ही के पास में, तो आप खतरा में कैसे हैं? ये लोग सरकार पर लोभन दे करके जनता को बुड़बक बनाता है, कौन वोट लेता है 5 किलो अनाज देता है, वो अपना बाप घर से थोड़े देगा, इतना ना महंगाई कर दिया गैस सिलेंडर, यह 80 रुपये किलो प्याज है, 100 रुपये किलो अथी है, सिलेंडर जहिया मिलता था 500 में, जहिया मोदी जी कहते थे कि जे महंगाई से दबे जा रहे हैं, आज कहा मोदी जी बोल रहे हैं जे महंगाई से हम दब रहे हैं। अभी भी ये लोग हम लोगों से राय विचार विमर्श नहीं करते हैं, न कोई बैठक में बुलाते हैं, न हम लोगों को इससे है, लोग हटा देगा जनता को बिना सुविधा दिए हुए। आप जिस माहौल में रह रही है जनता, पब्लिक रह रही है, वो माहौल उपलब्ध कराना होगा ना साहब, आप कबूतर खाना दूध को बना करके और लूटने का खाली काम कर किए हैं आज तक। हम तो मांग किए थे जितना का यहाँ पर घर बना है जरेडा का, जितना वो बेलगड़िया से लेकर के और कोयला नगर और कुसुम बिहार जहाँ जहाँ भी है, सबका जांच हो, वो सब आदमी के रहने लायक घर है।
तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से लोग जो है वो दुखी हो गए हैं, लोग जो है जहरीली गैस, आग और धुएं में रहने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि जो है विस्थापन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। कई बड़े लीडर्स जो है वो देश के कोयला राजधानी में पहुँचे, दस्तक दिया उन्होंने, आम सभा की, लेकिन जो एशिया का सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन जो मुद्दा जो है वो गौन रहा। और आज भी आप देख सकते हैं कि लाखों लोग जो है वो आगों पे रहने को मजबूर है। सहयोगी अमित के साथ कुंदन सिंह, समाचार प्लस के लिए।